Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 18th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, jiske link aapko description box mein provided hai. Make sure video ko last tak dekhe so that sari important news aapke yahan par cover ho. To chaliye start karte hain, dekhte hain aaj hame kya kya discuss karna hai. Now, first news is Tiger helps uncover timber depots in Arunachal रिजर्व. अरुणाचल रिजर्व में यहाँ पे टाइगर्स ने हेल्प करी टू अनकवर टिम्बर डिपोट्स. ना यहाँ पे इशू ये हुआ कि यहाँ कुछ जो टाइगर्स हैं, मेनली जो टाइगर होते हैं वो कहाँ जो कोर एरियाज होते हैं, जो फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, तो उनका जो कोर एरिया होता है जहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत घना जंगल हो, आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा हो, ट्रीज ज़्यादा हो, वो वहाँ पर रहते हैं. यहाँ पर क्या दिखाई दिया, मेनली जो पार्क ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पर जो टाइगर हैं, कुछ टाइगर्स यहाँ पर अपने कोर एरिया से बाहर आते हुए नजर आए, है ना. पहले कुछ एक टाइगर उनके कैमरे में कैच हुआ, फिर कुछ दिनों बाद फिर से उन्हें दूसरा टाइगर यहाँ पर दिखाई दिया. तो जब उन्होंने ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पे देखी तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई टाइगर हैज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम देयर कोर हैबिटेट, है ना, मतलब जो कोर एरिया है उससे टाइगर क्यों बाहर आ रहा है. तो इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा हुआ. तो जो ऑफिशियल्स थे, पार्क के जो ऑफिशियल्स थे, वो वहाँ पर गए तो वो उनको वो कहाँ किससे बंप हुए, इलीगल लॉगिंग एक्टिविटीज वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई टाइगर्स केम आउट द कोर एरिया ऑफ द रिजर्व आफ्टर सो मेनी ईयर्स. मतलब बहुत साल हो गए थे हमने ये नहीं देखा था कि टाइगर जो है अपने जो कोर एरिया उससे बाहर आ रहे हों. तो यहाँ पर कुछ टाइगर्स हमें बाहर आते नजर आए. तो जब इसकी पूरी एक्टिविटी, ये जो सारी एक्टिविटी हुई, तो उसके बाद यहाँ पे जब जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया, जो इस तरह का आप ये पिक्चर देखिए, तो ये ट्रक से पूरा लोडेड यहाँ पे जो लॉग्स थे, टिम्बर था, टिम्बर का पूरा यहाँ पे डिपोर्ट्स उनको दिखाई दिया. ओके, फिर उसको यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको सीज कर लिया. तो देखिए टाइगर ने किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करी, किसकी, जो टिम्बर डिपोर्ट्स थे उसको अनकवर करने में. अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ अरुणाचल रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे रिजर्व है, उसका नाम क्या है, नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व, आपको यहाँ पे याद रखना है. तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा प्रिलिम फैक्ट बनता है, एक और कुछ भी नहीं, कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है अरुणाचल प्रदेश में. ओके, तो न्यूज सिर्फ इतनी थी, हमारे लिए यहाँ पे एक फैक्ट ये निकल कर आता है कि नामदफा जो फील्ड है, नामदफा टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. महाराष्ट्र यूपी अमंग 7 स्टेट्स टू गेट टेक्सटाइल पार्क्स. अब वी ऑल नो दैट अबाउट कौन सी स्कीम यहाँ पे है, पीएम मित्र स्कीम. पीएम मित्र स्कीम यहाँ पे क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन 2021. ये जो पीएम मित्र स्कीम है ये 2021 में इसको अनाउंस किया गया था अक्टूबर में, आपको याद रखना. इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 5 विजन दिए थे, 5F विजन क्या दिए थे यहाँ पे, 5F का यहाँ पे विजन दिया था. तो आपको यहाँ पे ये जो 5Fs हैं उसको यहाँ पे याद रखना है, कौन कौन से 5Fs, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन. मतलब आप यहाँ पे क्या, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी हमारे जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, हर एक चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, यहाँ पे ये जो पीएम मित्र स्कीम है इसको लेकर आया गया है. अब इसमें हमारा मेन विजन ये है, देखिए, द पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बूस्ट द टेक्सटाइल सेक्टर इन लाइंस ऑफ 5Fs, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन. मिस्टर मोदी ट्वीटेड एडिंग दैट स्कीम वुड बी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड. अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, कुछ स्टेट्स को, मतलब यहाँ पे पार्क जो है, कुछ प्लेसेस को यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, वहाँ पर जो हमारी 5Fs हैं, 5Fs का मतलब यहाँ पर किस तरीके से हम पूरा जो कपड़ा एक बनता है, क्लोथ कैसे बनता है, जैसे उसकी वीविंग की जाती है, पहले स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, देन डाइंग, प्रिंटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हों, एक ही लोकेशन पर हो. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये जो सारी एक्टिविटीज़ हों वो कहाँ हों, सिर्फ एक लोकेशन पर हों, तो उसके लिए इस पीएम मित्र स्कीम को लेकर आया गया है. इसके लिए यहाँ पर मेनली जो सेंटर्स हैं उसको डिसाइड किया गया. तो अब तक का जो सेंटर है यहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं, कौन कौन से, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा. ओके, अब देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, पीएम मित्र स्कीम 2021 में इसको यहाँ पर लेकर आया गया था, ठीक है, इसको अनाउंस किया गया था 2021 में. इसमें ये कहा था कि हम क्या करेंगे, जो टेक्सटाइल सेंटर है यहाँ पे, टेक्सटाइल पार्क्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा,
मतलब जगह हम ऐसे ले आएंगे, वहां पर क्या होगा, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। मेनली क्या होता है, जब भी हमको यहाँ पे टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हम एक क्लॉथ बनाने, ये फैब्रिक बनाने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले जो फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन का यहाँ पे कोई फैब्रिक बनाने जा रहे हैं तो कॉटन लेना पड़ेगा, उसकी स्पिनिंग करनी पड़ती है, फिर वीविंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, देन डाइंग, एंड जब हमारा फैब्रिक बन जाता है उसकी यहाँ पे प्रिंटिंग भी होती है। प्रिंटिंग के बाद वो वहाँ पे फिर से फर्दर इंडस्ट्री में जाता है फर्दर प्रोसेसिंग, जो हम यहाँ पे कपड़े पहनते हैं है ना, इसकी जो टेलर के पास जाता है उसकी यहाँ पे पूरी जो टेलरिंग होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पिनिंग इस फैक्ट्री में हुई, फिर इसकी वीविंग दूसरी फैक्ट्री में हो रही है, फैब्रिक कहीं और बन रहा है, गारमेंट्स की जो प्रिंटिंग हो रही है फैब्रिक में जो प्रिंटिंग हो रही है वो कहीं और हो रहा है, और टेलरिंग कहीं और हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर, ये अलग अलग जो प्लेसेस पे हो रहे थे, अब इसको क्या कर दिया गया, एक प्लेस पर कर दिया है। क्या कर दिया है कि आप किसी एक प्लेस पर ये सारी चीज़ें करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। दूसरी चीज़, हमें एक ही प्लेस पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो 5F का विज़न है, फार्म टू फाइबर, ओके, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्म टू फाइबर, फाइबर्स फैक्ट्री में, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। तो मतलब हम यहाँ पर फार्म से डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है और फॉरेन मार्केट, दोनों जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा जो फैशन है उसको यहाँ पे फॉरेन मार्केट तक लेकर जाएंगे। तो मेन हमारा पर्पस यही है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हम जो एक्सपोर्ट है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर बूस्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें बस मेनली यही है, द टोटल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज 4,445 crore थ्रू द इनिशियल एलोकेशन इन द 2023-24 बजट is only 200 crore, okay? States have offered to provide at least 1,000 acres, says Minister Goyal. Spinning, weaving, processing, dyeing, printing and garment manufacturing will be done at one location. तो ये जो सारी processing होती है वो कहाँ होगी, सिर्फ एक location पर होगी। Efforts to reduce logistic cost of textile industry and make it globally competitive. अब यहाँ पर हमारा main purpose ये है कि जो textile industry है इसका जो logistic है, मतलब उसको जो efforts लगते हैं, क्योंकि जो textile industry में बहुत ज़्यादा efforts लगते हैं, तो उसको हमें reduce करना है और इसको global market में कॉम्पिटिटिव बनाना है। इसलिए हम ये क्या करेंगे, जो सारी प्रोसेसिंग होती है, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो दिस ऑल विल बी डन इन एट अ वन लोकेशन। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हम इस स्कीम के बारे में एक बार और देख लेते हैं कि ये पीएम मित्र स्कीम क्या है। तो पीएम मित्र स्कीम इज इंस्पायर्ड बाय 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इट इंस्पायर टू फुलफिल द विजन ऑफ बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत एंड टू पोजिशन इंडिया स्ट्रांगली ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप। मतलब कि इंडिया की पोजिशन को ग्लोबल टेक्सटाइल मैप में यहाँ पे सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे पीएम मित्र स्कीम लेकर आए हैं। ओके, अब इसमें जो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। तो ये क्या होगा, एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा, जो कॉस्ट है उसका भी यहाँ पे रिडक्शन होगा। देखिए, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन एट वन लोकेशन विल रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर सारी चीज़ें हमें एक ही लोकेशन पर मिलेंगी तो उसका जो कॉस्ट होगा गारमेंट्स का, जो भी हमारा क्लोथ आ रहा है यहाँ पर, उसका जो कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर होगा। द प्रोजेक्ट इज इंटेंडेड टू क्रिएट 1 lakh डायरेक्ट एंड 2 lakh इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर पार्क। यहाँ पे जो पार्क सेटअप किए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। FDI, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड अट्रैक्ट कटिंग एजेस टेक्नोलॉजी, बूस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लोकल इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। अब देखिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पे पार्क सेटअप करेंगे, मतलब वहाँ पर सारी सेंटर सेटअप किए जाएंगे कि वहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग सारी चीज़ें होंगी। इससे क्या हो, जो फॉरेन हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो बूस्ट होगा। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा एजेस है, कटिंग एजेस जो है वो कट होगा, और जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट भी है, इस सेक्टर में क्या होगी, बूस्ट होगी। तो ये हमने क्या देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए। अब इसके लिए यहाँ पर लोकेशन सेटअप की गई है। तो जो मतलब ये कब आई थी स्कीम, 2021 में आई, और आज क्या चल रहा है, 2023। तो ये 1.5 साल के बीच में, यहाँ पर 1.5 ईयर में, ये अभी तक जो सेंटर थे वो डिसाइड नहीं हो पाए थे, बट अब ये जो सेंटर हैं वो डिसाइड हो गए। कौन कहाँ कहाँ पर होंगे सेंटर, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या किए जाएंगे, न्यू टेक्सटाइल जो पार्क्स हैं उनको यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कैक्टस ऑफ
ऑलिव रिडले ऑन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट शोर्स इन आंध्र प्रदेश वरी टूरिस्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑलिव रिडले टर्टल कंटिन्यूसली न्यूज़ में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ऑलिव रिडले टर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हर एक दिन 2-3 दिन छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल जो न्यूज़ में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो ऑलिव रिडले टर्टल है, तो जो सी एरियाज है वहां पे उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ऑलिव रिडले टर्टल क्या है, ये वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट टर्टल है ना, वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट टर्टल है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दीज टर्टल्स आर कार्निवोरस एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कैरेस्पेस। अब ये क्या है, मेनली कार्निवोरस है और इनका कलर भी क्या है, ऑलिव कलर है, इसलिए इनका नाम क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल है। ये मेनली क्यों जाने जाते हैं, ये एक एक्टिविटी करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, अरीबाड़ा एक्टिविटी। अरीबाड़ा मतलब कि यहाँ पे लार्ज नंबर में, मतलब कि यहाँ पे ये लोग मास नेस्टिंग करते हैं, जो ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं ना, ये मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब बहुत ही नंबर लार्ज क्वांटिटीज में, मतलब लार्ज नंबर में ये एक साथ आते हैं। और जब इनका नेस्टिंग का टाइम होता है, मतलब जब अंडे देते हैं ना, तो उस टाइम का जो टाइम होता है, तो वो एक मास नेस्टिंग करते हैं। तो ये जो पूरी एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस होती है, ये जो यूनिक मास नेस्टिंग होती है, उसको हम अरीबाड़ा कहते हैं। ओके, वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले, एक ही सेम बीच पर आते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं, एग लेक्स करते हैं। हैबिटेट की बात करें, यहाँ पे मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मेनली वार्म वाटर से वहां पर पाए जाते हैं, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। ओडिशा में मेनली यहाँ पे हम देखें तो ये ओडिशा जो है हमारा, वहां पे पाया जाता है। तो गरिमाता मैरिन सेंचुरी इज नोन एज वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। तो यहाँ पे मेनली जो ये सी टर्टल्स हैं, यहाँ पे मास नेस्टिंग की जाती है, कहाँ, उड़ीसा में। अब यहाँ पे इनको थ्रेट क्या क्या है, तो IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है, वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। थ्रेट की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन कंजप्शन इनका बहुत ज़्यादा होता है, इवन इनका जो मीट है और इनका जो शेल है, ये शेल ये चाइना में इसका मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और जो इनकी जो बॉडीज़ की ये जो स्किन है, इसका लेदर वगैरह यूज़ करने के लिए, मतलब लेदर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इनकी मास लेवल पर क्या होती है, पोचिंग की जाती है, है ना, जिसके कारण ये ह्यूमन कंजप्शन होता है। तो ये पहला थ्रेट हो गया। दूसरा यहाँ पे इनका क्या थ्रेट है, पॉल्यूशन, जो हमारा मराइन पोल्यूशन है और वेस्ट के कारण इनको क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक वगैरह है, इनके कारण यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये फंस जाते हैं और फंसने के कारण इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ओके, यहाँ पे जो फिशिंग ट्रैवलर्स हैं, कभी कभी ओवर एक्सप्लोइटेशन, जो ओवर फिशिंग की जाती है, तो उसमें भी ये क्या हो जाते हैं, उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इनकी यहाँ हमें यहाँ पे थ्रेट देखने को मिल रहा है। ओके, इवन चाइना में इसका यहाँ पे क्या होता है, चाइना में इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मीट होता है, इसका यूज़ किया जाता है, और जो उसकी जो शेल होती है, इसका शेल का यहाँ पे कहा जाता है कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। आई डोंट नो व्हाट, यहाँ पे कौन सा इसका मेडिसिनल पर्पज़ है, तो इसलिए इनको यहाँ पे थ्रेट है। IUCN की रेड लिस्ट में देखो तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर डेवलप्ड लो कॉस्ट स्टार सेंसर। अब यहाँ पे जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, उन्होंने क्या डेवलप किया है, लो कॉस्ट स्टार सेंसर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्मॉल क्यूब सेट क्लास सैटेलाइट मिशन। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने यहाँ पे क्या सेटअप किया है, लो कॉस्ट स्टार सेंसर। स्टार सेंसर क्या है कि कोई भी सैटेलाइट होती है, उसको यहाँ पर जैसे कि स्पेस में कहाँ पे कौन सी चीजें, कहाँ पे कौन सा स्टार है, उसको सेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंसर की जरूरत होती है। तो देखिए, एनी सैटेलाइट नीड्स टू नो वेयर इट इज पॉइंटेड इन द स्पेस। हर एक सैटेलाइट को यहाँ पे जरूरत होती है कि कहाँ पर वो पॉइंटेड हो रहा है, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड स्टार सेंसर। और इस पर्पज के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसे हम स्टार सेंसर कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज स्टार सेंसर, स्टार सेंसर मतलब कोई भी सैटेलाइट को हम अगर स्पेस में यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं, तो वहां पे वो किस पॉइंट पर सेटअप होना है ना, उसके लिए यहाँ पे एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्टार सेंसर। द पोजिशन ऑफ स्टार इन द स्काई इज फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर एंड कैन बी यूज्ड एज अ स्टेबल रेफरेंस फ्रेम टू कैलकुलेट द ओरिएंटेशन ऑफ सैटेलाइट इन अ ऑर्बिट। अब जो हम अगर स्पेस की बात करें, वहां पर जो स्टार्स होते हैं, हर एक स्टार्स का यहाँ पे अपनी अपनी पोजिशन होती है, इवन दे मूव भी करते हैं, बट स्टिल यहाँ पे एक पोजिशन, रिलेटिव फिक्स पोजिशन होती है। तो यहाँ पे जो ये स्टार सेंसर है, वो क्या करेगा, उस चीज को सेंस करेगा, और सैटेलाइट को कहाँ पर सेंस, मतलब कि यहाँ पे सैटेलाइट को यहाँ पे कहाँ पर, मतलब कि पॉइंट होना है, कहाँ पर उसको सेटअप होना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार सेंसर का यूज किया जाता है। ओके,
This is done by correctly identify the stars in the sky to towards the which the star sensor is pointed. Okay, तो ये star sensor क्या करेंगे उसको point. अब इसको यहाँ पे बहुत ही low cost में जो हमारा Indian Institute of Astrophysics है तो उनके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है. तो इसको हम mainly किसके लिए use कर सकते हैं. The Department of Science and Technology said that star Strawberry Sense is ready for launch on PS4 orbital platform by ISRO and can be used to cube sets and other small satellite missions in the future. तो इसका नाम क्या दिया गया है आपको यहाँ पे याद रखना है, Strawberry Sense. ये जो स्टार सेंसर है ये लो कॉस्ट है, आपको इतना याद रखना है. जो हमारा मेनली जो हम सेंसर्स यहाँ पे बनाते हैं तो उसका आप 10% यहाँ पे डाउन कर दीजिए, तो 10% उसका कम ही जो हम नॉर्मल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो सेंसिंग वगैरह जो रेसबेरी पाई इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इसको यहाँ पे बनाया गया है. और इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, स्टार बेरी सेंस. ओके, तो आपको इसको नाम याद रखना है. आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि वॉट इज़ स्टार बेरी सेंसर, है ना. तो ये क्या है, एक स्टार सेंसर है जो कि यहाँ पे सेंस करेगा कि कहाँ पे सैटेलाइट को यहाँ पे सेटअप होने की ज़रूरत है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब इसको यहाँ पे जो PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है इसरो के द्वारा यहाँ पे जो और जो स्मॉल सैटेलाइट मिशंस हैं इनको इन फ्यूचर में यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा. देखिए ये आप थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या एक ट्रेडिशन है. यहाँ पे तीवा ट्राइब के बारे में बताया गया है. क्या है ये, तीवा ट्राइब. ये कहाँ पर है, इसमें मेनली ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है कि देखिए, द तीवा ट्राइबल बॉय परफॉर्मिंग रिचुअल्स वियरिंग हेड गियर्स कॉल्ड शकारा ड्यूरिंग द सोक्रा मिसावा फेस्टिवल इन कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट असम. तो ये कहाँ पर हो रहा है, असम में. तो ये ट्राइब्स कहाँ की हैं, असम की. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज त्रिवा ट्राइब, ये कहाँ पाई जाती है, मेनली असम में. वर्शिप नेचर ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल एंड देन प्रिपेयर देयर फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. अब यहाँ पे फेस्टिवल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस फेस्टिवल का नाम क्या है, शकराक्षता ड्यूरिंग. ठीक है, तो इसमें मेनली ये जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे ये जो फेस्टिवल इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो नेक्स्ट क्रॉप आने वाली थी उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया करते हैं फील्ड को. तो बस इसमें आपको याद रखना है कि ये जो ट्राइब्स हैं कहाँ पाई जाती हैं, आसाम में पाई जाती हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, द फोरकास्ट आफ्टर अ फेक न्यूज कैंपेन इन तमिलनाडु. अब पहले हम कंटेक्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु में आप सभी को पता होगा कि एक फेक न्यूज थी, फेक न्यूज आप कह सकते हैं कुछ भी, जिसमें ये बताया गया कि तमिलनाडु में यहाँ पे जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, है ना, हमने इसको यहाँ पे डिस्कस भी किया था. बिहार के जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनकी जो उनके साथ उनको टारगेट किया जा रहा है. बिहार के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये पूरी न्यूज़ है जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी वीडियोस वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो चुके, स्प्रेड हुए थे, वायरल हुए थे. ओके, फिर इसी के चलते यहाँ पे तमिलनाडु और बिहार की गवर्नमेंट एक साथ आई थी और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करी. तो तमिलनाडु ने यहाँ पे ये कहा कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट सीज इट्स अ फेक न्यूज़, मतलब कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ कुछ भी यहाँ पे अनअप्रोप्रिएट, उनको ना तो टारगेट किया जा रहा है ना उनके साथ अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे किया जा रहा है. ओके, ये सारी चीज़ें हैं. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है, ये इशू तो सॉल्व हो गया, मान लीजिए हमने इसको माना कि जो ये इशू है वो सॉल्व हो गया. तो इसमें क्या है कि अ मेलिशियस ऑनलाइन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लेड टू लॉ एंड ऑर्डर इशूज एंड मेड मीडिया हेडलाइन अक्रॉस द कंट्री. ओवर अ पीरियड ऑफ 4 days देयर was a concocted and continuous narrative about migrant workers hailing from Bihar being subjected to violence in Tamil Nadu. अब यहाँ पे देखिए ये फेक न्यूज, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु से यहाँ पे जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ अनअप्रिपेड बिहेवियर हो रहा था, उनके साथ वायलेंस हो रहा था, जिसके कारण वो अपने जो होम टाउन है वहाँ पर रिटर्न हो रहे थे. बट जब उनसे मेन रीजन पूछा गया तो द मेन रीजन वॉज द फेस्टिवल देवर, मतलब कि वो अपने घर इसलिए जा रहे थे बिकॉज यहाँ पे होली था और उन्होंने वो कहीं मतलब काफ़ी दिनों से वो अपनी फैमिली से नहीं मिले थे, इसलिए वो अपने घर रिटर्न हो रहे थे. बट इसको यहाँ पे अलग वे में ले लिया और उसको फेक न्यूज़ बना के सामने लोगों के सामने, पब्लिक के सामने रखा. ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी इन्वेस्टिगेशन भी की. अब हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, टॉपिक क्या उठता है किसका, फेक न्यूज़ का. जो ये फेक न्यूज़ है इसको हम किस तरीके से कर्ब कर सकते हैं. अगर हम फेक न्यूज़ की बात करें, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट डीप फेक्स. व्हाट इज़ डीप फेक्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तो डीप फेक्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे किसी भी पर्सन की ऐसी इमेज बनाते हैं या फिर कोई ऐसा वीडियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसको मतलब कि वो एकदम रियल लगता है
है ना। इसके बहुत सारे केसेस भी हमने यहाँ पे देखे कि मतलब हम कोई ऐसी पिक्चर क्रिएट करते हैं, कोई ऐसा वीडियो क्रिएट करते हैं, इवन जो वॉइस है ऐसा वॉइस यहाँ पे क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, जो आपको एकदम रियल लगता है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वॉट इज़ रियल एंड वॉट इज़ फेक। ओके, उसे हम कहते हैं डीप फेक्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है कि जो डीप फेक्स हैं और फेक न्यूज़ है एंड मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। हम हर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लॉ नहीं है। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, ओके, तो वहाँ पर क्या है, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है, कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन 2022, इवन द यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे कोड रखे हैं, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर है कि किस तरीके से हमें जो फेक न्यूज़ है और डीप फेक्सेस को यहाँ पे टैकल करना है, इसको यहाँ पर देखना है। ओके, बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही लॉ है, आप सभी को पता है, यहाँ पर जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है ना, सिर्फ इसके तहत ही हम क्या करते हैं, जो भी फेक न्यूज़ होती हैं और ये जो डीप फेक्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पर टैकल किया जाता है। अब इसमें भी मेनली अगर हम बात करते हैं जो सेक्शन 69 है, सेक्शन 69A, वो क्या कहता है, इसमें मेनली सिर्फ एक ही प्रोविज़न आप ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सेक्शन 69A क्या कहता है कि अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी न्यूज़ है सोशल मीडिया में, कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म में जो लिंक है वो क्या कर रही हो, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी चैनल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसे यहाँ पे बैन कर सकते हैं। तो सिर्फ ये सेक्शन 69 के अंदर इतना ही आता है, बट दिस इज़ नॉट इनफ, है ना, दैट इज़ नॉट इनफ टू टैकल फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है, पहला तो यहाँ पर कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी नो स्पेसिफिक लेजिस्लेचर फॉर फेक न्यूज, फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा सेंटर एंड स्टेट शुड मैनेज फेक न्यूज, सेंटर और स्टेट अपने अपने यहाँ पर रूल्स लेकर आए, लॉज लेकर आए, जिससे क्या कर सके, जो फेक न्यूज है ना, उसको हम यहाँ पे कर्व कर सके। अब किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम ये जो फेक न्यूज़ उसको हम किस तरीके से यहाँ पे कर्व कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन लाकर यहाँ पे एक डिटरेंस क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आईटी एक्ट 2000 जो है, इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं बताया कि आप किस तरीके से फेक न्यूज़ को कर्व करेंगे, यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन के बारे में नहीं बताया गया। अगर फेक न्यूज़ कोई पर्सन यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेंगे, एक्शन की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे एक डिटरेंस जो होता है, आप कह सकते हैं एक डर होता है, अगर हम ये न्यूज़ फैलाएंगे तो इसके कारण यहाँ पे हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, तो यहाँ पे कोई हमें डिटरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बट हमारे पास ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा है कि हमें स्टेट और सेंटर को यहाँ पे क्या करना होगा, जो फेक न्यूज़ है उसको यहाँ पे मतलब कि मैनेज करना होगा। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करते हैं, कंसर्न्स क्या क्या है हमारे, ओके, कंसर्न्स सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न्स क्या आता है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी का, क्या आता है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी। ओके, नेशनल सिक्योरिटी, इवन जो ये जो फेक न्यूज़ फैलाकर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अदर जो रीजंस हैं, अदर कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, वो भी क्या कर सकती है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी उस पर एक थ्रेट बन सकता है, है ना, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। दूसरा अगर हम बात करें, जो इंडिया के पर्सन्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो इमोशनल ड्रिवन है, कैसे हैं, वो इमोशनल ड्रिवन है, है? कोई भी छोटी सी भी अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई भी यहाँ पे केस होता है, इंसिडेंट होता है, तो हम बहुत जल्दी उसके बारे में हम पहले देखते नहीं है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल, है ना, एक्चुअलिटी क्या है, यहाँ पर जो ट्रुथ है उसके बारे में हम पता नहीं करते, और हम इमोशन में आकर उसके अगेंस्ट में नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर करने लगते हैं, है ना, और हमारे जो व्यूज होते हैं उसको सामने हम प्रेजेंट करने लगते हैं। तो वी आर इमोशनल ड्रिवन, वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, और यही क्या बनता है हमारे लिए सबसे बड़ा मेन कंसर्न बनता है कि इससे क्या होता है कि हम क्या कर पाते हैं, जो फेक न्यूज है फिर इन द लास्ट में जब हमें पता कि ये सब फेक था, तो फिर हमारे जो व्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो सारे चेंज हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक अवेयरनेस लानी होगी कि किस तरीके से हमें पहले जो सारी चीजें हैं, जो न्यूज है, उसको यहाँ पर देखना होगा कि वो सही भी है या नहीं। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड क्या होता है, एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, रीजनल इम्बैलेंस। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु में ये कहा कि जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है ना, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए तमिलनाडु और बिहार, यहाँ पे जो बिहार है, अब दूसरे जो वर्कर्स हैं उन पर एक, आप खुद ही सोचकर देखिए ना, अगर आपके पास में ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी कि वो उस स्टेट में हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा, तो आप क्या उस स्टेट में फिर से फर्दर जाएंगे,
बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा लोगों के बीच में, मतलब एक आप कह सकते हैं कि ऐसी कन्फ्लिक्ट वाली जो फीलिंग्स है, एक दूसरे के जो हेट फीलिंग्स है वो क्रिएट होंगी, जिसके कारण आप कह सकते हैं रीजनल जो इम्बैलेंस होगा, रीजन में यहाँ पे क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। तीसरा, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी होता है। कम्युनल वायलेंस, एक कम्युनिटी क्या कर रही है, दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में अगर कोई फेक न्यूज फैला रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कम्युनल वायलेंस क्रिएट होगा। ओके, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं आजकल, सबसे बड़ा कंसर्न ये, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे क्या करती है, फेक न्यूज का यूज करती है फॉर देयर पॉलिटिकल एजेंडा, अपने एजेंडा को यहाँ पर पाने के लिए वो भी क्या करती है, कभी कभी क्या करती हैं, जो फेक न्यूज है उसका यहाँ पर यूज करते हैं, डीप फेक्स, इन सब सारी चीजों का यूज किया जाता है। फोर्थ, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी में एक अनरेस्ट क्रिएट होता है ना। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं कि हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, डाइवर्स कंट्री में हमारे पास यहाँ पर राइट्स हैं कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल हमारे पास राइट है कि हम मूव कर सकते हैं, मूवमेंट जो हमारा मूवमेंट है उसमें यहाँ पर रुकावट आएगी। हम यहाँ पर डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हैं, क्या, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, है ना। तो ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा मेन प्रिंसिपल है, जिस पे यहाँ पर हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया की अगर हम, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो मेन कॉन्सेप्ट पहला यही आता है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो जो हमारा मेन ये प्रिंसिपल है वो ही क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। एक पहचान जो होती है ना, हमारा क्या एक पहचान है वो खोती हुई, मतलब कि कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने कंसर्न्स की बात कर ली, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। व्हाट कुड बी अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी तो चाहिए उसके लिए। तो सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, पहला ये कि हम यहाँ पे कोई एक स्ट्रांग आपको क्या लेकर आना होगा, लॉ लेकर आना होगा, लेजिस्लेचर लेकर आना होगा, टू टैकल डीप फेक्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन। सिर्फ किसी भी चैनल को बैन कर देना या फिर किसी भी लिंक को यहाँ पर आपको स्टक डाउन कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। यहाँ पे आज सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, न्यूज इतनी जल्दी फैलती है, सेकेंडों नहीं लगता है आपको यहाँ पे किसी भी न्यूज को स्प्रेड होने में। तो आप इसको किस तरीके से यहाँ पे मतलब कि टैकल करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रांग लॉ लेकर आना होगा, आपको यहाँ पे एक डिटरेंस क्रिएट करना होगा लोगों में, डिटरेंस क्रिएट होगा तभी यहाँ पे लोग क्या करेंगे, फेक न्यूज को स्प्रेड करने से पहले आपको पहले उसके बारे में सोचेंगे दो तीन बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट लॉ और अवेयरनेस लेकर आनी होगी लोगों के बीच में। यहाँ पे देखना होगा कि हम यहाँ पे कोई भी न्यूज़ को अगर शेयर कर रहे हैं तो पहले आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है, उसके बाद उसको आप शेयर कीजिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए इसकी इम्पैक्ट भी अगर हमने बात करी, इम्पैक्ट में एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो ये माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनमें यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल सकता है, शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स क्या है, हमारी इकोनॉमी के ये क्या है, बैकबोन है। माइग्रेंट वर्कर्स क्या है, हमारे बैकबोन है। हम यहाँ पे मास लेवल पे माइग्रेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे माइग्रेशन की बात हो रही है। अब देखिए अगर इस तरीके की न्यूज सामने आएंगी तो माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर नहीं जाएंगे, जिससे पूरा जो ओवरऑल जो हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो हमें इस तरीके की न्यूज को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इस आर्टिकल में पूरा मेनली यही बताया गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हाउस मैटर्स, द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड अ डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। अब इसमें तो मेनली यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि इस पार्टीज ने उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, इस पार्टी ने ये एलिगेशंस लगाए उसके बारे में है, बट मेनली अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पार्लियामेंट की बात की जा रही है। ओके, कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट का अगर हम देखें तो पार्लियामेंट का हमारा मेन फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर हमारी बनी थी कब, 1950s में, मतलब कि और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारा जो मेन फंक्शन था क्या था, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 1947 में हम यहाँ पे हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारा मेन काम क्या क्या था, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दूसरा यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन करना है लॉज एंड रूल्स पर, है ना, कि किस तरीके से गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काम कर रही है, ये सारी चीजें थी। अब ये यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर फिर क्या हुए, पार्लियामेंट आया, पार्लियामेंट आया। ठीक है, अब पार्लियामेंट का अगर हम मेन रोल देखें तो क्या है, पार्लियामेंट का फर्स्ट रोल है मेकिंग लॉ, है ना, रूल्स एंड लॉ बनाना। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड अगर देखें लॉ बनाना, थर्ड सेकेंड बात करें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे क्या करना, इंश्योर करना कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जो हम यहाँ पे लॉज बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर क्या करना, अकाउंटेबल रखना, मतलब कि मेन फंक्शन आप कह सकते हैं कि मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट यहाँ पे आर्बिट्रेरी ना हो जाए, यहाँ पर सारी चीजें करना। थर्ड अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, डिबेट एंड डिस्कशन,
क्या डिबेट एंड डिस्कशन, कोई भी यहाँ पे रूल्स आ रहा है, लॉ अकाउंटेबल कैसे बनेगा? यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है, आप सभी को पता है कि हमारे जो यहाँ पे थ्री सेशंस होते हैं, तीन सेशन होते हैं, है ना, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजटरी सेशन, जो फाइनल फर्स्ट सेशन हमारा होता है, तो उसमें हमारा डिबेट एंड डिस्कशन होता है, जिससे हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे आर्बिट्रेरी ना हो जाए। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में हमारा जो मेन वही है, मेन फंक्शन हमारा क्या है कि गवर्नमेंट क्या हो, अकाउंटेबल हो, यहाँ पे आर्बिट्रेटरी ना बन जाए। थर्ड, यहाँ पे हम जो बजटरी स्क्रूटनी होती है ना, जो बजट आता है उसको यहाँ पे स्क्रूटनाइज किया जाता है, उस पर सारी चीजें देखी जाती हैं कि जो बजट है हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये हमने क्या देख लिए, मेन फंक्शन देख लिए पार्लियामेंट के। अब इसमें मेनली कुछ नहीं, या जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, एलिगेशंस लगा रही हैं कि ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, तो देखिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पार्लियामेंट के यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या हैं। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देखिए इसमें एक आ गया, मेनली ये कहा गया है कि देयर हैव बीन अ प्रेजेंट ऑफ जेपीसी इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स, द बीजेपी एंड हैज द नंबर्स टू गेट अवे विद द डिस्कार्ड ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, बट इट शुड राइज अबव द टेम्पटेशन एंड इवॉल्व एज अ ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट हैज अ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, द बीजेपी शुड नॉट अबाउट इट एंड बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का मेन काम क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेबिलिटी है, मेन रोल क्या है कि अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे फिक्स करना। तो यहाँ पे जो हमारी पार्टीज हैं वो ये इंश्योर करें कि गवर्नेंस यहाँ पर क्या है, आप इसको यहाँ पे इंश्योर करें। ओके, तो द गवर्नमेंट शुड नॉट अबाउट अ डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट में अब क्या होता है कि मेनली इसमें यही हो रहा है कि जो पार्लियामेंट के जो सेशंस हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं, और सेशन में अगर हम बात करें तो सिर्फ दो या तीन दिन यहाँ पे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, कि जो कि हमारे लिए बहुत ही कम। अब दो और तीन दिन में आप क्या डिबेट एंड डिस्कशन कर लेंगे, है ना, दो दिन में गवर्नेंस यहाँ पे मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूटिव यहाँ पे काम कर रही है, अपोजिशन पार्टीज के पास यहाँ पे राइट होता है कि वो क्या करते हैं, उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे जीरो आवर दिया जाता है, सारी डिस्कशन का पूरा टाइम होता है। तो जब डिबेट या डिस्कशन ही नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट के यहाँ पे गवर्नेंस है उस पर आप किस तरीके से क्वेश्चन उठा सकेंगे, तो बस इस आर्टिकल में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंडलेस डिले, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस शुड नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू पर्सनल डिफरेंसेस। ओके, अब इस आर्टिकल में क्या है, मेनली हम देख रहे हैं क्या कि जो गवर्नर है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में ये जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, है ना। अब हमने इसको कई बार डिस्कस कर चुका है तो इसमें फिर से वही चीज रिपीट की गई, जैसे कि हमने अभी देखा तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नमेंट है, सीएम है, वो कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नर है यहाँ पे जो बिल यहाँ पे पास कर दिए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसको वो अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं, उसको यहाँ पे विदहोल्ड करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नर के राइट की, तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल 200 ये कहता है कि जो गवर्नर है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट जो गवर्नर होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नर किसकी एड एंड एडवाइस पर लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर लेते हैं, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब इसमें बस मेनली यही कहा जा रहा है कि देखिए द फ्रिक्वेंसी विद विच द कंडक्ट और इनएक्शन ऑफ गवर्नर्स कम्स अप फॉर द जुडिशियली स्क्रूटनी रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द स्टेट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन इनकम्बेंट इन राजभवंस एंड द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमें ये जो, अब देखिए ये जो गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अब कहाँ चली गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई, मतलब इसका जो पूरा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो कंडक्ट है, किस तरीके से हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट के रिलेशन है गवर्नर के साथ, मतलब कि सीएम और गवर्नर के जो रिलेशन है उसमें हमें किस तरीके से, किससे आपको यहाँ पे इनकम्बेंट्स देखने को मिल रहा है, इसको हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नर का जो ऑफिस उसको यहाँ पे हम हटा दें, है ना, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी चीज को हटाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम उस पर क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर रिफॉर्म लाना होगा। अब गवर्नर के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि मेन फंक्शन ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेटर ना हो जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो फंक्शंस दिए गए स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर कौन आता है, गवर्नर होता है। वो पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेट काम कर रहा है, और वो किसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सेंटर को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इवन दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट यहाँ पे जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है यहाँ पे, वो भी किसके बेसिस पे लगता है, ऑन दैट रिपोर्ट,
है ना, उस बेसिस पर लगता है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नर के भी कुछ फंक्शन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी फंक्शन है, बट हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और जो गवर्नर है उनके बीच में जो ये रिलेशन है उसको हम यहाँ पे मेंटेन करके रखें, ताकि यहाँ पे इस तरीके की जो सॉल्यूशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो फर्दर यहाँ पर ना हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई टू माइनर्स पिटीशन ऑन सेविंग वेस्टर्न घाट्स। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किससे, गवर्नमेंट से यहाँ पे क्या मांगा है, एक रिप्लाई मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, किसके द्वारा, माइनर्स के द्वारा, माइनर्स मतलब जो बच्चे हैं उनके द्वारा पिटीशन फाइल की। उन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, जिसके कारण जो वेस्टर्न घाट है उनका जो मेन वो है ना, मेन आप कह सकते हैं कि रूल है, वो यहाँ पे लॉस होता हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें ये कहा है कि जस्टिस इन टर्म्स ऑफ मिस्टर काव्या एंड 7 अदर चिल्ड्रन हैव सॉट जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी, सीइंग दैट अनब्रिडल डेवलपमेंट इन द एंशियंट माउंटेन सिस्टम वुड लीव देयर जनरेशन विदाउट अ फ्यूचर और अ लाइवलीहुड। दे हैव सॉट एन इफेक्टिव सस्टेनेबल एंड क्रेडिबल कंजर्वेशन रिजीम फॉर द वेस्टर्न घाट, इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। अब यहाँ पे मेनली क्या है, जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ही ज्यादा इसको ये डिमांड करी कि उसको आप क्या कीजिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए, और यहाँ का जो वेस्टर्न घाट का आप देखेंगे जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। तो इसी के चलते उन्होंने पिटीशन फाइल की कि यहाँ पे मेनली बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण फ्यूचर जो वेस्टर्न घाट है उनका जो ट्रू नेचर है वो उसको लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका जो ट्रू नेचर उसको लॉस करें। अब देखिए वेस्टर्न घाट जैसे ये इंडिया है, आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पर मुंबई से आप महाराष्ट्र देखेंगे तमिलनाडु नीचे तक, यहाँ पर क्या है, हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। अब वेस्टर्न घाट्स में आपको पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इकोसिस्टम है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में फौना एंड फ्लोरा की यहाँ पे स्पीशीज पाई जाती हैं, इवन बहुत ही मतलब यहाँ का जो फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा है। तो इसी के चलते यहाँ पे पिटीशन इन लोगों ने फाइल की। अब देखिए वेस्टर्न घाट के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या है, वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स और वेल नोन फॉर देयर रिच एंड यूनिक असेंबलेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द रेंज ऑफ कॉल्ड सह्याद्री इन नदन महाराष्ट्र एंड सह्या पर्वतम इन केरला। ठीक है, तो केरला तक ये, महाराष्ट्र लेके केरला तक ये स्प्रेड, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा, ये पूरा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, तो ये पूरा यहाँ पे स्प्रेड है। ओके, यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो मेनली यहाँ पे जो पोर्शन ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज नोन एज कॉनकन कोस्ट। अब ये सारे जो पूरे फैक्ट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉल्ड कनारा एंड सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड मालाबार रीजन। अब जो वेस्टर्न घाट का सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल वाला पोर्शन आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कनारा, और जो सदर्न पार्ट है उसको मालाबार रीजन कहते हैं, क्योंकि वो मालाबार कोस्ट के पास आता है। फुटहिल्स रीजन की बात करें, ईस्ट ऑफ द घाट महाराष्ट्र नोन एज देश, वाइल द ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ द सेंट्रल कर्नाटका स्टेट इज मालानाडु। ओके, नीलगिरी मलाई इन तमिलनाडु, अगर हम साउथ रेंज की बात करें तो यहाँ पे नीलगिरी मलाई में यहाँ पे क्या, तमिलनाडु, यूनेस्को की इसको वर्ल्ड हाइट में रिकॉग्नाइज किया गया है। इट इज वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म। यहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसलिए इसको यहाँ पे 8th हॉटस्पॉट माना जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। जियोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो मेनली क्या है, ये क्या, इसको रिगार्ड किया जाता है ऐसा जियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे बहुत सारे घाट्स भी देखने को, माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू डाउन रैपिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ लैंड इनटू अरेबियन सी। माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर नॉट ट्रू माउंटेन्स बट देयर आर फॉल्टेज एजेस इन डेक्कन प्लेटू। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा, जो अगर हम पूरा स्टैक देखें तो 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर पूरा जो एरिया है ये आप देखेंगे ये वेस्टर्न घाट्स में हमारा आता है ना। दे फॉर्म अ मेजर वाटर शेड इन पेनिनसुला इंडिया अफेक्टिंग रेनफॉल प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हॉर्स शो क्रैब्स डिसअपीयरिंग ऑफ ओडिशास कोस्ट साइंटिस्ट फॉर इट। अब पहले हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं, हॉर्स और क्रैब क्या है, ये इस तरीके से होता है ना, इनका जो ऐसा लगता है ये जो हॉर्स के शूज होते हैं ना,
हॉर्स शो आपने देखा होगा, तो उनका इस तरीके से ये होते हैं। ये आप देखेंगे ये कितने साल पुराने, 450 मिलियन ईयर क्या है, ये पुराने लिविंग स्पीशीज हैं। अभी क्या होते दिखाई दे रहे हैं हमें, इन पर थ्रेट दिखाई दे रहा है। देखिए न्यूज़ क्या है यहाँ पर, न्यूज़ ये है कि हॉर्सो क्रेब वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ एंड मेडिसिनली प्राइजलेस अपीयर्स टू बी डिसअपीयरिंग फ्रॉम देयर फैमिलियर स्पॉनिंग ग्राउंड्स अलोंग चंदीपुर एंड बालमगढ़ी कोस्ट इन ओडिशा बालसोर डिस्ट्रिक्ट। ये और भी जगह पाए जाते हैं बट मेनली इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा में पाए जाते हैं। ओके अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इनका जो ये क्रीचर है हमें इनका जो नंबर है ये डिसअपीयर होते दिखाई दे रहे हैं। इनका हम यूज देखें तो ये जो ये ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर है, मतलब कि जो डायनासोर का टाइम था ना, डायनासोर के टाइम से भी पुराने हैं ये, आपको यहाँ पे याद रखना। मतलब ये 450 मिलियन ईयर, आप देख सकते हैं 450 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्पीशीज है, इसलिए इनको यहाँ पे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। लिविंग फॉसिल, आपको यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स याद रखने, क्या क्या कहा जाता है, 450 मिलियन ईयर ओल्ड है। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, डीप सी में, ये कहाँ पाए जाते हैं, डीप सी एरिया में ये मेनली पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा में, ओके ओडिशा के मेनली दे कम अक्रॉस कोस्ट ऑफ लेसोर इन ओडिशा एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ओके ये भी क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। ओके जैसे हम यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में देखा था, वो मास नेस्टिंग करते हैं, ये भी क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। बट क्या हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जब ये एग्स अपने लेग करते हैं, अंडे देते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इनके जो अंडे हैं वो यहाँ पे खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण अब क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें डिसअपीयर होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके और जो इनका जो एग है उसको यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, इवन खाने में भी इसका यूज किया जाता है, तो इसके कारण भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो है ये डिसअपीयर हो रहा है। इनका मेडिसिनल पर्पज भी है, मेडिसिनल वैल्यू देखें तो इनका जो ब्लड है, द ब्लड ऑफ दिस क्रैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रेजिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे मेनली जो रैपिड डायग्नोस्टिक रेजिमेंट्स के लिए इनका जो ब्लड इसका यूज किया जाता है, जितनी भी इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं इनके ऊपर टेस्ट की जाती हैं। ओके और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो मेनली ये जो क्रैब्स हैं हेल्प फॉर प्री बहुत सारी जो बीमारीज हैं, तो रेजिडेंट्स ऑफ हॉर्सकोलो क्रैब हेल्प इन द ट्रीट प्री एक्लैम्पसिया, जो प्री एक्लेम्सिया होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए भी जो ये हॉर्स शो क्रैब्स होते हैं इनका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो इसका यहाँ पे मेडिसिनल पर्पज है, तो मेनली इसमें ये बताया जा रहा है कि ये क्या है, ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर अर्थ में, मतलब कि अगर इनका इम्यून सिस्टम देखें तो ये 450 मिलियन ईयर ओल्ड है, बट इनका इम्यून सिस्टम अगर आप देखोगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, मतलब पहले वो जैसे थे 450 मिलियन ईयर्स एगो वो पहले थे, आज भी वो वैसे ही हैं, है ना। यहाँ पे उनमें कोई भी यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं आया, बट अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन पे यहाँ पे थ्रेड दिखाई दे रहा है, ये डिसअपीयर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में पूरे फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट इन इंडिया, इंडिया में ओडिशा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट है, बट धीरे धीरे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डिसअपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके इंपॉर्टेंस की बात करें, दे हैव एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम ऑफ डायनासोर्स एंड आर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम इंजीनियर एंड प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ये प्रीडेटर है। देयर इकोलॉजिकल फंक्शन इज टू ले मिलियंस ऑफ एग्स ऑन बीचेस टू फीड शोर बर्ड्स फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ। देयर लार्ज हार्ड शेल सर्व एज माइक्रो हैबिटेट फॉर मैनी अदर स्पीशीज सच एज स्पॉन्ज, मड क्रैब, मुसेल एंड स्नेल। दे आर क्रिटिकल लिंक टू वर्ल्ड हेल्थ बायोडाइवर्सिटी होल्ड कल्चर इंपॉर्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। थ्रेड की बात करें तो ओवर हार्वेस्टिंग फॉर यूज एज फूड बेट एंड बायोमेडिकल टेस्टिंग, तो मेनली इसका बायोमेडिकल टेस्टिंग के यूज किया जाता है, इसलिए इनकी ओवर हार्वेस्टिंग की जाती है, उसको फूड इनको खाया भी जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट लॉस फ्रॉम कोस्टल रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण इनका क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसलिए ये हमें कंटिन्यूसली क्या दिखाई दे रहे हैं, कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट मार्केट करते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, शी जिनपिंग टू पुश यूक्रेन पीस प्लान ऑन रशिया विजिट। अब यहाँ पे मार्च 20 एंड 2022 को यहाँ पे जो शी जिनपिंग है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनको इनवाइट किया है, चाइना के प्रेसिडेंट को। अब इस मीटिंग में मेनली ये बात की जा रही कि जो चाइना है वो ये बिलीव कर रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू ये जो कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पे इस मीटिंग में चाइना मेनली ये जो यूक्रेन का क्राइसिस है, यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे पीस प्लान लेकर आने की बात की जा रही है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे मीटिंग में क्या होता है वी विल डिस्कस फर्दर. ओके सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी. वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.